स्वागत है और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बताने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस वक्त तेरी चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि ऐसी न्यूज रिलेटेड वीडियो सबसे पहले आपको असली न्यूज टीवी पे मिलती रहे। तो दोस्तों आईपीएल पर जल्द ही बीसीसीआई कोई बड़ा फैसला ले सकती है। कोरोना की वजह से विंबलडन और ओलंपिक खेलों पर पहले से ही ग्रहण लग चुका है, ऐसे में आईपीएल का आयोजन कैसे हो सकता है यह बड़ा सवाल है। फिलहाल देश भर में लॉकडाउन चल रहा है और इसका 30 अप्रैल तक बढ़ना तय माना जा रहा है। सौरभ गांगुली ने एक अंग्रेजी अखबार से बात करते हुए कहा कि अभी जो हालत है उनमें आईपीएल का आयोजन होना मुश्किल है। उन्होंने कहा हम हालत पर नजर रख रहे हैं, इस समय हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, एयरपोर्ट बंद है, लोग घरों में फंसे हैं, दफ्तर बंद हैं, कोई भी कहीं नहीं जा सकता और ऐसा लग रहा है कि मई के मध्य तक ऐसा ही चलता रहेगा। सौरभ गांगुली ने आगे कहा कि जब पूरी दुनिया में सब कुछ बंद है तो खिलाड़ी कैसे आएंगे और अगर खिलाड़ी नहीं आते हैं तो फिर टूर्नामेंट का आयोजन कैसे करना संभव हो पाएगा। उन्होंने कहा कि सोमवार को अधिकारियों के साथ मीटिंग के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी। उन्होंने कहा दुनिया भर में जब जीवन में ठहराव आया हुआ है तो खेल के लिए क्या भविष्य होगा, मई में भी आईपीएल का आयोजन शायद नहीं होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए।